एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे जॉब के बारे में जहां पर अगर आप ट्वेल्थ पास भी हो, अंडर ग्रेजुएट भी हो और ग्रेजुएट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी। आई गेस एक वीक पहले मैंने एक आप लोगों के साथ में एक इंटर्नशिप शेयर की थी जो कि इंटर्नशाला पर ही थी, राइट। और वहां पर हमारा एक सब्सक्राइबर कल सिलेक्ट हो गया है एंड यस आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और एक जॉब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी आई गेस वीक या वीक टू वीक लास्ट, जो कि टेली परफॉर्मेंस का जॉब था और वो जॉब मैंने आप लोगों के साथ में आई गेस नौकरी.com से शेयर किया हुआ था, राइट। तो वहां पर भी एक जो सब्सक्राइबर है वो सिलेक्ट हो गया है। तो यस आई एम हैप्पी के चलो जो जॉब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो मोस्टली काम कर रहे लोगों के लिए। और इंडिया मार्ट का तो आप सभी जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक जॉब आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करूंगी, जहां पर जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की एक पोस्ट है, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है लेकिन फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है ये, ओके। और मोस्टली फ्लिपकार्ट पर है ये जॉब जो है वो। और एजुकेशन की जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर अगर आप ट्वेल्थ में पास हो या अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ तो जरूर है कि सैलरी जो है वो आपको इन बिटवीन 21,000 से लेकर 31,000 के बीच में मिलेगी। लेकिन आई गेस कस्टमर केयर सपोर्ट का जो जॉब होता है, भले वो फिर फ्लिपकार्ट का हो या अमेजोन का हो या और भी किसी कंपनी का हो, मोस्टली स्टार्टिंग के फेज में आपको इन हैंड जो पैसे मिलते हैं वो 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास में ही होते, उससे ज्यादा नहीं होते। तो चलो इन लोगों ने दिया हुआ है तो हम मान भी लें कि यहाँ पर उतना होता है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर अगर आपने देखा होगा इसी जॉब के लिंक पर, तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने लिखा भी है कि 1,50,000 से लेकर 2,50,000 के आस के पास में पर एनम का इसका सैलरी पैकेज है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 0 to 5 years का एक्सपीरियंस आपको चाहिए यहाँ पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो 76 है जो कि काफी अच्छी है। डिफरेंट लोकेशंस पर ही अवेलेबल है, जैसे पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, तो कोई बात नहीं है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, वर्क फ्रॉम होम है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। कोई लोकेलिटी का इशू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि आप पर्टिकुलरली इसी से बिलोंग करते हो, इसी स्टेट से आते हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पर। इंटरव्यू का जो मोड है वो कम्प्लीटली टेलीफोनिक है यहाँ पर, ठीक है। और जो सेगमेंट्स है वो यहाँ पर एक वॉइस के लिए भी जगह है कुछ और नॉन वॉइस के लिए। नॉन वॉइस में आप अगर आप मैं बात करूँ तो जैसे ईमेल का होगा या चैटिंग प्रोसेस होगा, और वॉइस की बात करूँ तो नॉर्मल आपको जो वॉइस कॉल्स होते हैं वही है, क्योंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जॉब है तो आपको तीनों तरह के रोल यहाँ पर मिल सकते हैं, तो आप जिसमें अच्छे होते हो। हाँ, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दोनों में अच्छा रहना चाहिए, आपका इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, दोनों भी है, ठीक है। फुल टाइम का ये जॉब है। हाँ, जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो देखो आज मैंने इस पर अप्लाई करके देखा ये एक्टिवेट है या नहीं ये देखने के लिए, तो अप्लाई करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है, इस फॉर्म को आप भर लो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका प्रोफाइल इन लोगों से मैच हो जाता है तो ये लोग आपको कॉल करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको नौकरी.com से ही अप्लाई करना पड़ेगा। और आई होप कि ये जेन्युइन रहे। अगर कोई भी लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो डेफिनेटली मुझे जरूर कमेंट करके बोलना। और इन केस किसी लोगों किसी को भी मतलब ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि नहीं ये यहाँ से पैसों की डिमांड हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो भी जरूर यहाँ पर इंटीमेट करना, क्योंकि मैं आपके जो कमेंट होते हैं वो जनरली पिन करके रखती हूँ तो बाकी लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिल सके, तो ठीक है। मोस्टली तो मैं ट्रस्ट करूंगी इस जॉब पे, तो अगर किसी को बैड एक्सपीरियंस भी आता है तो डेफिनेटली मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट।